आज इसी सोशल मीडिया समिट के लिए दिल्ली से हमारे जाकिर अली तैगी साहब हैं, जिनका जिनको बहुत मैं फॉलो भी करता रहता हूँ। आज इत्तफाक से यहाँ पर उनसे मुलाकात भी हुई। सर, आज जो ये इन्फ्लुएंस हुआ है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समिट 2022, इस तालुक से आप बताइए सर। सबसे पहले आपका शुक्रिया, और ख़ासकर जो है इत्तेहाद न्यूज़ का जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देखिए, ये जो ये आज हमारा जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस जो है समिट जो हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि जो मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं हमारे, जो तमाम जर्नलिस्ट जो पत्रकार साथी हैं, वो अलग अलग मीडिया हाउसेज के लिए वो काम कर रहे हैं, और वो उन मीडिया हाउसेज के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पर ख़ुद जो है सरकार के कब्ज़े हुआ करते हैं। यानी कि हमारे पास में हुनर है, सब कुछ है, ताकत है, वक्त है, और हमारे पास में जो है हमारी जो है राइटिंग है, हमारी लेखनी है, हमारी कहानियां हैं, और हमारे वो मजालिम की कहानियां हैं जो हम पर होती रही हैं। लेकिन उसको तमाम मीडिया हाउसेज जो हमारे जो बिखरे हुए थे, जो अलग अलग इंडिपेंडेंट के रूप में या स्टाफ रिपोर्टर के रूप में जो हम दूसरे मीडिया चैनल्स के लिए लोग जो काम करते हैं, तो उनका मकसद यही था कि तमाम मुस्लिम जर्नलिस्ट जो है एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो, और हम अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को जो है कैसे एक मजबूत बनाएं, अपनी लेखनी के ज़रिए, अपने जर्नलिज़म के ज़रिए कैसे हम अपनी जर्नलिज़म को जो है आखिरी अंजाम तक पहुँचा सकते हैं, कैसे हम उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और इकट्ठे होकर जो है एक मकसद यही था कि हम लोग खुद के अपने खुद के मीडिया हाउसेज, खुद के प्लेटफॉर्म जो है खड़े करें, और उनको खड़े करने के बाद ताकि हमको किसी एडिटर से किसी स्टोरी को लिए अप्रूवल ना लेना पड़े, और हम खुद किसी मीडिया हाउस के मालिक होंगे तो हमको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मीडिया हाउस हमारा खुद का होगा और हम अपनी आवाज़ को जो है बेबाकी से उठाएंगे। सर, मैंने आपको भी बहुत सारे देखा है, आप आवाज़ उठाते हैं, हक की आवाज़, और जालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ मैंने देखा है कि योगी आदित्यनाथ के उस रियासत में भी आपने कई सारी आवाज़ उठाई, उसके बदले में आपको कई सारे मुकदमे भी झेलने पड़े, तो ये जो आप हिम्मत कैसे जुटा पाते हैं? देखिए, हिम्मत की तो बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक तो मैं उत्तर प्रदेश में गाय भी काटता हूँ, और गृह मंत्रालय के मुताबिक तो मैं इस देश का जो है देशद्रोही हूँ, और मेरठ की पुलिस के मुताबिक तो मैं जो है इतना बड़ा खूंखार अफराधी हूँ कि मेरे गांव के लोग मेरे खिलाफ़ गवाही देने की कोशिश नहीं करते हैं। ये असल में अपराधी किसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आरएसएस का ये पहला मकसद नहीं है, ये अभी हम लोगों के सामने नहीं आया है। इसके जो है सामने भी जो है पहले भी इनके चेहरे जो आते रहे हैं, और शुरू से लेकर मुस्लिमों के साथ में अब तक का इनका यही रवैया रहा है। और इनका रवैया ये रहा है कि जो एक मुस्लिम स्टूडेंट्स जिसको अपना कलम पर, किताब पर, अपने बैग पर, अपने स्कूली जो है मतलब संसाधनों पर जो है पैसा खर्च करना चाहिए था, उसको किसी न किसी ऐसे मामले में फंसा दिया जाए ताकि वो उसका पैसा जो है कोर्ट कचहरी में और वकीलों पर जो है खर्च हो। ये एक फाइनेंशियली और मेंटली तोड़ने की जो है कोशिश की जाती है, उसको टॉर्चर किया जाता है, और ये हॉस्टलों को जो है तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश होती है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो है कि सभी लोग जो है मतलब हौसले नहीं टूटे हैं, कुछ लोगों के हौसले टूटे भी हैं, जब हौसले टूट जाते हैं तो सरकार के हौसले बुलंद हो जाते हैं। उनमें से मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उन व्यक्तियों में शुमार नहीं हूँ कि जिसके हौसले सरकार तोड़ पाई हो। मैं कई बार, दो बार जेल चला गया, गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, गोकशी भी मुझ पर लगा दी गई फर्जी तरीके से। उस गोकशी के मामले में जो है जो मेरे खिलाफ़ कंप्लेन करता था वो खुद मेरे समर्थन में खड़ा है। पुलिस के सामने वो कहता रहा कि आप जाकिर को ज़बरदस्ती फंसा रहे हैं, लेकिन पुलिस कहती रही कि क्या करें, हम पर दबाव है सरकार का, किसी न किसी फर्जी तरीके से फंसा कर भेजना है। तो ये सब तरीके के मतलब फर्जी केसेस रजिस्टर्ड किए गए, और मुझ पर तो इतना कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जो है अभी NRC और CA प्रोटेस्ट के बाद से हमारे दर्जनों छात्र जो है तिहाड़ जेल में UAP के तहत बंद हैं। उसमें कुछ लड़कियां भी थीं, हम लड़के हैं, युवा हैं, झेल सकते हैं, लेकिन एक लड़की जो है जब झेल रही है तो हम लोगों को भी, और उनकी जेल जाने के बाद उन पर जो जुल्म हो रहा है उसको देखकर और लड़ने का हौसला मिलता है कि जब एक लड़की झेल रही है तो हम लोग क्यों नहीं झेल सकते, हम लड़ेंगे। चाहे हमारे सामने आप जो है चीन की दीवार से भी बड़ी दीवार खड़ी कर दीजिए, लेकिन हम लड़ेंगे। हम मर जाएं भले ही, लेकिन लड़ते लड़ते मरेंगे, ना कि शांति से बैठकर तमाशा देखने वालों की लिस्ट में जो हम शुमार हो जाएं। सर, ये क्या इसका हल हो सकता है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इतनी शक्तियाँ हाजी आती हैं, एक मखसूस लोगों को टारगेट करके निशाना बना के किया जा रहा है, आखिर इसका हल क्या है सर, किस तरह से हल तलाश? देखिए, हल किसी भी समस्या का हल जो है हथियार के साथ लड़ाई लड़ाना नहीं होता है। हम भी हथियार चलाते हैं, लेकिन हमारा हथियार कलम होती है, कलम है, पढ़ना होगा, अपना इतिहास जानना होगा, और गिरेबान पकड़ के जो है अपना हक मांगना होगा।
बिना लड़ाई के बिना झगड़े के और अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हमको लड़ाई लड़नी है, इल्म हासिल करना है। इल्म हासिल करेंगे तो एक अबू दाऊद एक हदीस है कि इल्म हासिल करो सॉरी कि इल्म का सीख लेना बहुत सी इबादतों से बेहतर है। तो हम इल्म सीखते हैं तो बहुत सी इबादतें जो है हम हासिल कर लेते, बहुत सी इबादतों से बेहतर हो जाता है हमारा वो इल्म। और जब हम इल्म सीखते हैं तो हम लड़ने का तरीका जान जाते हैं कि कैसे हमको जो है वैचारिक जंग लड़नी है। और जब सबसे मेन जो होता है इत्तेहाद होता है, यूनिटी होती है। कहा जाता है कि अगर चिड़ियों में भी इत्तेहाद होता है तो वो हाथी की खाल नोच लेती हैं। तो वही साथ हमारे होना चाहिए कि हम लोगों में इत्तेहाद होना चाहिए। दलित कम्युनिटी को जो है कहा जाता था कि अभी एक उसकी एक रिपोर्ट आई थी कुछ वर्ष पहले 2005-06 के करीब, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो, उसमें यह कहा गया था कि आज के भारत में मुसलमानों के हालत दलितों से बदतर हैं। दलितों को वहाँ पर जो है हमारे सामने जो है रखा गया था कि दलितों से भी बदतर हैं। कांग्रेस का जो है शुक्रिया कि उसने बताया हमें कि जो है कि दलितों से बदतर जो है हमने हाल आपका कर दिया है मुस्लिमों का। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मैं देखता हूँ कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ से हमारे सबसे ज़्यादा मुस्लिम IAS IPS निकल के आ रहे हैं। हर वर्ष जो है लगभग 50 के करीब IAS IPS बन रहे हैं और हमने लड़ना भी सीखा। इस मोदी सरकार को जो है मैं बधाई देना चाहूँगा कि सरकार में सबसे बड़ी खूबसूरती ये रही है कि अगर इसने मुस्लिमों पर जुल्म किया है खुलकर तो इसने लड़ना भी सिखाया है। हम पर जुल्म हुआ, हम ठोकर खाते हैं तो फिर उससे जो संभल कर चलते हैं। हमने अपनी लड़ाई कैसे किस तरीके से लड़नी है, उसको कैसे अंजाम देना है, ये सब ये जो आपने अभी कहा IAS IPS ऑफिसर मुसलमानों के बहुत सारे, लेकिन कहीं पर कम्युनिटी के लिए लड़ने वाले अफसरान नज़र नहीं आते। फिर रिटायर्ड होने के बाद फिर उनको मस्जिद याद आती है, कौम याद आती है, इस तरह का मामला बहुत ज़्यादा देखा जाता है। क्या तरबियत में कहाँ कमी रहेगी सर? हाँ, वो तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है तो इसलिए उनकी मजबूरी बन जाती है। वो तो कोई अब इस वक्त जो मुल्क के राष्ट्रपति हैं वो दलित हैं जी। लेकिन राष्ट्रपति जो है, सब जब वो राष्ट्रपति बने थे रामनाथ कोविंद, तो सबसे पहले जो भारत सरकार ने SC ST एक्ट को ख़त्म किया था, उसको जो है हटा दिया था देश के संविधान से। और एक राष्ट्रपति जो है बिना भारत सरकार की परमिशन के, जब तक जो है दलितों ने दबाव नहीं बनाया सरकार पे, तब तक वो वापस नहीं हुआ था। वो वापस हो गया, वो वापस जो हुआ वो इसीलिए हुआ कि उन लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी थी। वो लड़े थे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार ने उनको दंगाई दिखाने के लिए लगभग जो मार दिया था, खुद उन पर गोली चलाई गई पुलिस के प्रशासन की तरफ से और BJP के गुंडों की तरफ से जो उन पर गोलियां चलाई गई। जब गोलियां चली तो उनको दिखाया गया कि ये दंगा ही, हालांकि वो दंगा ही नहीं थे, वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना हर एक नागरिक का अधिकार है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि जिस देश की सड़कें सुनसान हो जाती हैं उस देश की संसद आवारा हो जाती है। हमारे देश में अगर जो है सड़कें अगर खाली हो गई, अगर प्रोटेस्ट नहीं होंगे सरकार के खिलाफ, तो संसद जो है हमारे मुल्क की जो है आवारा हो जाएगी और वो अपनी मर्जी मनमर्जी के मुताबिक जो है फैसले लेती रहेगी। सर, आपकी उम्र से ज़्यादा मुकदमे हैं आप पर, तो आप इस पर इतना ज़्यादा तजुर्बा कैसे? तजुर्बा यही हो जाता है कि एक लेखक ने कहा है कि जेल के और हवालात के में गुजारे हुए 4 घंटे आपको वो सब सिखा देते हैं जो आप 40 बरस किसी यूनिवर्सिटी में रहकर भी नहीं सीख सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि तजुर्बात को हासिल करने के लिए हर व्यक्ति को जेल जाना चाहिए। जेल जाते हैं तो पता लग जाता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, और भी वहाँ से जो है ज़िंदगी के आप जो मकसद सीख कर आते हैं। जब मैंने कहा था शुरू में ही कि जब ठोकर लगती है तो इंसान जो है अक्ल उसको जो है दोबारा से सोचता है कि मैं आपकी बार इस रास्ते से ना गुजरूँ। तो तजुर्बे जो हासिल होते हैं मुझे लगता है कि आप बाहर रहकर नहीं सीख सकते हैं। जितना आप एक दिन अगर आपने जो है गुजार लिया जो है जेल के हवाला जेल में या हवालात में, इतने आप जो है लगभग जो है ये समझिए कि 20 साल या 40 साल या 50 साल में भी नहीं सीख पाएंगे। तो तजुर्बे हमने हासिल जो किए हैं वो जेल से किए हैं। हमारे जो यहाँ पर इस समिट में जो डिस्कशन था वो यही था कि हम मुस्लिम लोग जो है अपने खुद के मीडिया हाउसेस खड़े करें और उसी बीच आप लोगों के सामने जिस पर आप मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, ये इत्तेहाद न्यूज़ है। और इसको मेरी गुजारिश रहेगी सभी दर्शकों से कि मैं एक जाकिर अली त्यागी जो कि एक जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इत्तेहाद न्यूज़ को जो है ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज़रूर जो है प्रमोट करने की कोशिश करें। शुक्रिया। ये थे जाकिर अली त्यागी साहब, जो कई सारे मुकदमे इन पर दायर किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जाकिर अली त्यागी जैसे हिम्मतवर नौजवान पूरे माशरे में पाए जाए, ताकि इस सिमत जो जालिमों का जो एक रुख बना हुआ है, इस रुख को मोड़ सके। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।